सो वेलकम बैक टू विंग्स ए कुड़ान। मेरा नाम है तंजोत सिंह। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ अपने हाइट एंड डिस्टेंसेस की सीरीज़ का तीसरा लेक्चर, जहाँ मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करने वाले हैं आज बोर्ड पे। ये क्वेश्चंस थोड़े बेसिक लेवल से हाई लेवल तक लेके जाएंगे, जहाँ पर आपको कोई भी अगर डाउट रहा है पिछली क्लासेस में वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वो देख लेंगे तो आप इसमें सक्षम हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आपके साथ आज स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा लेक्चर अपने क्वेश्चंस के साथ, फाइन। तो फ्रेंड्स, बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन लिखते हैं आपका टाइम सेव करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है द टॉवर इज 100√3 मीटर्स हाई। तो प्रैक्टिकली ये क्या बोलना चाहता है, देखो हम क्या करेंगे, पर पार्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें ज़रूरत ही नहीं है अपना पूरा क्वेश्चन पढ़ने की। उससे क्या होता है, कभी कभी बच्चा घबरा जाता है, सोचता है यार बड़ा ही मुश्किल क्वेश्चन है, बड़ा ही लेंथी क्वेश्चन है, शायद मुझसे ना हो पाए या मेरा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाए। तो इसलिए हम बाय पार्ट सॉल्व करेंगे इसको, फ्रेंड्स, फाइन। चलते हैं आगे, देखो अ टॉवर इज 100√3 मीटर्स हाई। हम प्रैक्टिकली अगर सोचें तो ये कुछ ऐसे बोल रहे हैं कि कोई सपोज कोई टॉवर है, कैसा भी हो सकता है। द टॉवर इज 100√3 मीटर्स हाई, मतलब जिस टॉवर की ये बात कर रहा है उसकी हाइट जो है वो 100√3 मीटर्स है, फाइन। नेक्स्ट वो बात बोलता है फाइंड एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर्स अवे फ्रॉम इट्स फुट। अब सबसे पहले उसने बोला फाइंड एन एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आपने मेरा टॉपिक पढ़ा होगा, पहला लेक्चर इसका, तो मैंने बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब मैं कहीं नीचे खड़ा हूँ और मैं कहीं ऊपर देख रहा हूँ, फाइन। तो हो सकता है कि मैं कहीं यहाँ खड़ा हूँ और एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉवर के साथ मेरा बन रहा है, जो वो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, थीटा की बात कर रहा है, वो उसने कितना बता दिया मुझे, वो नहीं बताया हुआ, फाइंड एन एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसी एंगल को मुझे क्या करना है, ढूंढना है ऑफ इट्स टॉप, टॉवर के टॉप का एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट दैट इज 100 मीटर्स अवे फ्रॉम इट्स फुट। ओके, सो अगर टॉवर का फुट ये है तो 100 मीटर्स अवे फ्रॉम फुट ये डायग्राम बन जाएगी। देखा आपने कैसे मैंने ये डायग्राम फ्रेम कर ली। अ टॉवर इज 100√3 मीटर्स हाई, तो मैंने एक टॉवर ले लिया, मान लिया ये मेरा टॉवर है जिसकी हाइट कितनी दी है मुझे 100√3 मीटर्स, फाइन। ये हाइट आ गई 100√3, ठीक है। देन उसने मुझे बोला कि मुझे क्या करना है, फाइंड एन एंगल ऑफ एलिवेशन, तो मुझे एलिवेशन का एंगल निकालना है, वो एलिवेशन तो टॉवर के टॉप पे देखने पे मुझे मिल रही है और मुझे ये डिस्टेंस दिया हुआ था। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा मेमोराइज कराऊं, पिछले लेक्चर्स में मैंने कहा था कि मुझे सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए ट्रायंगल में या तो कोई एक एंगल चाहिए दैट इज थीटा, और या तो कोई एक डिस्टेंस चाहिए किसी भी साइड का। तो मुझे इसी ट्रायंगल में, अगर मैं ये ट्रायंगल छोटा करके यहाँ बना के आपको बताऊँ, ये वो टॉवर था 100√3 मीटर्स वाली हाइट वाला, फाइन, ये वो एंगल थीटा था और ये डिस्टेंस मुझे दिया है 100 मीटर्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालनी है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब मुझे निकालना है अपना ये थीटा। अब थीटा निकालने के लिए जो गिवन चीज़ें हैं इस ट्राइंगल में, अगर मैं देखूँ, दिस इज़ द बेस, दिस इज़ द परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ द हाइपोटेन्यूज, बिकॉज द बेस ऑलवेज कंटेन्स बोथ 90° एंड द थीटा, देयरफॉर दिस इज कंसिडर्ड एज माई बेस। ये मेरा बेस बन गया, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कैसे करना है। एंड परपेंडिकुलर जो 90° उसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज, या फिर लंबी साइड हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया वो परपेंडिकुलर। अब मतलब कि मुझे इस थीटा को निकालने के लिए एक तो पी को यूज़ करना है, ए को बी को यूज करना, फाइन। तो सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, अगर मैं यूज करता हूं तो पी और बी मेरा कहां मुझे मिलता है, टैन में मिलता है। इसका मतलब मुझे यह क्या लगाना है, टैन थीटा लगाना है, फाइन। यहां मुझे टैन थीटा लगाना है अपने इस क्वेश्चन में। देखो tan थीटा क्या होता है, टू प्रेजेंट ब्यूटी, tan थीटा मुझे पता नहीं है अभी, p मुझे पता है दैट इज 100√3, एंड बेस भी मुझे पता है दैट इज 100, फाइन।
ये 100 कटा, ये 100 कटा, आंसर आ गया tan थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि tan थीटा की रूट थ्री पे कौन सी वैल्यू है, या tan थीटा अपने किस डिग्री पे रूट थ्री मुझे देता है। तो मैं आपको फटाफट से अगर रिवाइज करवा दूं, मैं ये मिटा देता हूं, ठीक है। हमने ये किया था साइन में 0 डिग्री किया था, 30 डिग्री किया था, 45 डिग्री किया था, 60 डिग्री किया था एंड 90 डिग्री किया था, ठीक है। वही कॉस में किया था एंड टैन में किया था। साइन के लिए मैंने कहा था साइन 0 0, 31/2, 45 1/√2, 60 √3/2 एंड 91, उसका उल्टा कॉस दैट इज 1 यहाँ पे, फिर √3/2 यहाँ पे, फिर 1/√2 यहाँ पे, फिर 1/2 यहाँ पे, और फिर 0 यहाँ पे। टैन का हमने किया था 0/1 दैट इज 0, 1/2 डिवाइड बाई √3/2 दैट इज 1/2 इंटू 2/√3, कल करवाया था मैंने, तो ये बना 1/√3। वैसे ही 1/2 डिवाइड बाई 1/2 दैट इज 1, बिकॉज टैन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसी तरह से अगर इसको सॉल्व करूंगा मैं तो ये बनेगा √3 और ये बनेगा नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है कि tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, tan थीटा p और b की मैंने वैल्यू पुट कर दी, अल्टीमेटली मेरे पास आ गया tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब tan कौन से थीटा पे √3 होता है ये हमने देखना है, ठीक है। तो tan 60 पे √3 की वैल्यू देता है, तो इसका मतलब कि tan थीटा की जगह तो tan थीटा ही है, पर क्या मैं √3 की जगह tan 60 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, वही तो इसकी वैल्यू है। तो बस फिर ये tan और ये tan कैंसिल, पीछे बच गया हमारा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब कि जो ये टॉवर है, जो हमने क्वेश्चन किया कि ये कोई टॉवर था, उस पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो कितना बन रहा था, 60 डिग्री। मुझे बस टॉवर की हाइट पता थी दैट इज परपेंडिकुलर, और बेस पता थी अपनी, तो मैंने अपने ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट्स को यूज करके ये निकाल दिया कि वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था फ्रेंड्स, 60 डिग्री। ऐसे होते हैं कुछ बेसिक्स क्वेश्चन इसके हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ओके, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। समवट सेम क्वेश्चन है, आप प्लीज साथ साथ में मेरे खुद ट्राई भी कीजिए इसको। ये क्या कह रहा है, एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर, सपोज ये कोई टॉवर है, ठीक है, सपोज ये कोई टॉवर है, इसके जो टॉप का एलिवेशन बन रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टॉवर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर, दैट इज ये डिस्टेंस 30 मीटर्स दिया, ये जो पॉइंट है 30 मीटर, ये फुट ऑफ द टॉवर से जो मेरा ये पॉइंट है ये 30 मीटर्स की दूरी पे, फाइन। और क्या बताया मुझे, और मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन भी बताया है अपना, दैट इज 30 डिग्री, बट आई हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, तो मुझे यही हाइट पता करनी। अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आपने ये ऐसे करवा दिया, क्या ये ऐसे नहीं बन सकता था कि मैं टॉवर को यहाँ कंसिडर कर लेता, एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला 30 ले लेता और ये वाली बेस ले लेता 30 मीटर्स वाली। तो बिल्कुल सही बात है, आप चाहे वैसे अज्यूम कीजिए, चाहे वैसे सोचिए या वैसे सोचिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें ये हाइट निकालनी है, दैट इज हमें परपेंडिकुलर निकालना है, हमें बेस दिया हुआ है। अगेन, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस मेरा कहाँ आ रहा है, टैन में आ रहा है, तो मैं फटाफट टैन को यूज़ कर लूँगा। कैसे करूँगा, दैट इज tan 30 therefore in this triangle will be equal to present beauty that is perpendicular upon base, perpendicular तो मुझे पता नहीं है, that is the height of the tower itself, और base मुझे 30 दी है। अब मैं क्या करूँगा, इसका मतलब tan 30 degree into 30 is equal to my perpendicular, that is height of the tower, कोई doubt इसमें। चलते हैं next आगे, तो tan 30 degree कितना होता है, अभी हमने पीछे लिखा था tan 30 is equal to 1/√3, ओके। सो
सो tan 30 की जगह मैं 1/√3 सब्सटीट्यूट कर दूंगा इनटू 30 इज इक्वल टू द दैट इज परपेंडिकुलर और हाइट ऑफ माय टावर. फाइन. तो अब आप बोलेंगे इसका आंसर क्या बना, या तो इसका आंसर आप 30/√3 लिख दो या फिर रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.73 वो वैल्यू लिख के इसको डिवाइड कर दो. अब ये डिपेंड करता है कि आपको एमसीक्यू में क्या पूछा गया है. वो हमेशा आपको सिंपल सिंपल ही पूछते हैं, तो हो सकता है डायरेक्ट यही आ जाए आपको एमसीक्यू में सॉल्व करने के लिए ऑप्शंस में, तो आप इसकी टेंशन मत लो. तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया, कोई टावर था उसका किसी पॉइंट से डिस्टेंस दिया था और एक एलिवेशन वाला एंगल दिया था, तो मुझे अपने ट्राइंगल की दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हुई दिख रही थी. एक हमें परपेंडिकुलर दिया था और एक एंगल, मतलब कोई एक साइड का डिस्टेंस और कोई एक एंगल दिया था. हमने क्या किया, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके ये वाला भी निकाल दिया. मैं थोड़ा तेज़ करवा रहा हूँ क्योंकि ये बड़े सिंपल क्वेश्चन है, आगे आने वाले क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाने वाले हैं. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक बार आप देख लो. सो मिस्टर पीपी वंस अगेन वाज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए वर्टिकल क्लिफ, स्पॉट्स अ हाउस इन द एडजेसेंट वैली. ठीक है, यहाँ तक देखते हैं इसको. तो पहले इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिकल डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाहता है. तो कोई क्लिफ है, मतलब कोई माउंटेन है सपोज, ये कोई माउंटेन्स हैं. फाइन पीपी जी, इस माउंटेन की जो कोई क्लिफ है वहां खड़े हैं, सपोज पीपी जी यहां खड़े हैं, ये हमारे पीपी जी खड़े हैं. फाइन. सो पीपी वाज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए वर्टिकल क्लिफ, वर्टिकल का मतलब ऐसे सीधा, तो ये कोई वर्टिकल क्लिफ है, यहाँ पीपी जी खड़े हैं. स्पॉट्स अ हाउस इन द एडजेसेंट वैली, तो कोई एडजेसेंट वैली है, सपोज ये वैली कोई यहाँ पे है. ठीक है, सपोज ये कोई गांव है. ठीक, उनको उनकी जो नजर पड़ी पीपी जी की, वो कहीं सपोज करते हैं हम इस घर पे पड़ गई. ठीक है, तो पीपी वाज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए वर्टिकल क्लिफ, स्पॉट्स अ हाउस इन द वैली, ये वैली है, कोई पर्टिकुलर हाउस मैंने ले लिया, उस पर पीपी जी की नजर पड़ गई. एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 45 डिग्री, मतलब कि जो पीपी जी की हाइट थी या उस क्लिफ की हाइट थी, ठीक है, बोर्ड पे सीधा नहीं बन रहा पर आप एज्यूम कर लीजिए ये लाइन सीधी है बिल्कुल. ओके, तो ये जो हाइट थी इसके रिस्पेक्ट में पीपी जी का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना इस हाउस के साथ वो कितना बना, दैट इज 45 डिग्री. तो यहां तक हमने अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया. मिस्टर पीपी वाज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए वर्टिकल क्लिफ, मैंने आपको क्लिफ दिखाई, पहाड़ी दिखाई प्रैक्टिकली, यहाँ पीपी जी को हमने खड़ा कर दिया. उनने कोई घर देखा किसी एडजेसेंट वैली में, वो एक वैली है, वहाँ पे कोई एक घर देख लिया, हमने ये घर चूज कर लिया. फाइन, और वो एंगल ऑफ डिप्रेशन उस वैली के साथ कितना बन रहा था, घर के साथ 45 डिग्रीज. यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट. द क्लिफ इज 60 मीटर्स टॉल. ओके, इसका मतलब है जो क्लिफ है, जिस क्लिफ पे पीपी जी खड़े हैं, वो खुद में कितने मीटर बड़ी है, लंबी है, दैट इज 60 मीटर्स. ओके, द क्लिफ इज इटसेल्फ 60 मीटर्स टॉल. हाउ फार इज द हाउस फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ, ये क्लिफ का बेस ये है. अब क्वेश्चन है कि मेरे घर से इस क्लिफ का या उस घर से इस क्लिफ का एक्चुअल डिस्टेंस कितना है. हम ऑलरेडी इसकी एप्लीकेशन सीख चुके हैं, जहां मैंने आपको बताया था कि एक दो बिल्डिंग पे पीपी और शिपी खड़े थे और वो सोचते हैं कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है. पीपी जी तो वहां से रस्सी फेंकना स्टार्ट करते हैं पर शिपी जी उसकी डायरेक्टली हाइट देख लेते हैं. फाइन, कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का कि आज इस बार पीपी जी किसी क्लिफ पे खड़े हैं, इस क्लिफ से दूर कोई घर उन्हें दिख रहा है, उस घर पे जाए बिना या बिना किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज किए वो यहीं से पता कर रहे हैं कि उनके जो क्लिफ का बेस है वहां से उस घर का डिस्टेंस कितना है. ये मेरा ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आपको समझ आ जाना चाहिए अभी तक. तो मैंने इस क्वेश्चन को आपको ड्रॉ करके बता दिया कि ये एक्चुअल क्वेश्चन कहना क्या चाहता है. इसी डायग्राम को हम सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, मैं ये मिटा देता हूं. ठीक, तो एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था हमारा,
क्वेश्चन ये था कि ये मान लो वो वर्टिकल क्लिफ है, ये कहीं पीपीजी खड़े थे, यहाँ पे वो घर था, यहाँ पे वो घर था जहाँ पे उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा था, दैट इज 45 डिग्रीज। अब आपको पता है पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट, अगर ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फाइन, तो हमने ये एंगल इसी बहाने से हमारा ये एंगल निकल गया, इस ट्राइंगल में ये एंगल निकल गया। ये हाइट ऑलरेडी क्लिफ की मुझे गिवन थी, दैट वॉज 60 मीटर्स। तो बस फिर क्या था, मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मेरी कंडीशंस क्या रहती हैं, जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ या मैंने आपको ऑलरेडी दो लेक्चर्स में पढ़ाया, मैंने आपको हमेशा एक ही बात बोली है कि एक ट्राइंगल में कोई एक एंगल मुझे मिल जाए और कोई एक साइड मुझे मिल जाए। तो ऑलरेडी एक एंगल मुझे मिल गया है दैट इज़ 45 डिग्रीज और एक साइड मुझे मिल गया दैट इज 60 डिग्रीज। अब मुझसे जो मर्जी पूछ ले इस ट्राइंगल पर, मैं बता सकता हूँ कैसे। आइए देखते हैं, हाउ फार इज द हाउस फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ, दैट इज आई हैव टू फाइंड दिस बेस लेंथ। ये अब ये 90 है और वो 45, तो इसका मतलब यही मेरी बेस होने वाली है। ये ले लेते हैं, तो ये मेरी बन गई बेस, ये बन गया परपेंडिकुलर, ये बन गया हाइपोटेन्यूज। पर अब मुझे इस क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक परपेंडिकुलर जो गिवन है और एक बेस जो गिवन नहीं है। मतलब मुड़ तोड़ के मुझे चाहिए पी एंड बी। तो फिर से करते हैं अपना वो वाला कंसेप्ट यूज, दैट इज सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, और मुझे क्या चाहिए पी एंड बी, वेयर आर पी एंड बी, अगेन टू प्रेजेंट ब्यूटी दैट इज इन टैन। सो आई विल यूज हेयर, क्या यूज करने वाला हूं अब मैं, टैन थीटा टू प्रेजेंट ब्यूटी। सो टैन थीटा में थीटा मेरे पास ऑलरेडी 45 डिग्रीज है, ठीक है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरे पास 60 मीटर्स है और बेस मुझे फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क कर लो इसको, बी लिख लो, कुछ भी लिख लो, आपको तो आंसर से मतलब है। टैन 45 की वैल्यू क्या होती है, ये मेरी बेस है 1, ठीक है, देख लो आप फटाफट, वैसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने अभी याद कर लिया होगा। तो टैन 45 पे क्या वैल्यू देता है, 1 देता है, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, टैन 45 की जगह 1 लिख दूंगा, 1 इज इक्वल टू 60 अपॉन बेस, बेस यहाँ गया, बेस अपॉन बेस इज इक्वल टू 60 बाई 1, दैट इज इक्वल टू 60 मीटर्स इटसेल्फ। तो पीपीजी को पता चल गया कि वो जो क्लिफ था उसकी बेस से घर तक का डिस्टेंस कितना था, दैट इज 60 मीटर्स इटसेल्फ। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो गया। आपने देखा कैसे प्रैक्टिकली मैंने आपको क्वेश्चन समझाया कि एक्चुअली वो क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, वो सब डायग्राम बना के ही पता चलता है। आप मेरे साथ ये डायग्राम थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, आस्ता आस्ता आपका इतना होल्ड बन जाएगा कि आपको फिर ये बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली बता दोगे मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, उस फॉर्मूले में टैन की वैल्यू क्या होती है, तो कुछ ऐसे जब आपका मेंटल माइंड काम करने लगेगा तो आपको इटसेल्फ आंसर पता चल सकता है। फाइन, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिल्डिंग ए एंड बी आर अक्रॉस द फ्रॉम ईच अदर, आर अक्रॉस ईच अदर, ऐसे कर लो, दैट आर 35 मीटर्स अपार्ट। फाइन, पहले इतना क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं। तो आइए फ्रेम करते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, कोई एक बिल्डिंग है, पहले प्रैक्टिकली इसको ड्रॉ करते हैं। कोई एक बिल्डिंग है, सपोज ये बिल्डिंग है, ये कुछ अपार्टमेंट्स है, मान लेते हैं ये बिल्डिंग ए है। बिल्डिंग ए एंड बी आपस में कितनी दूरी पे, तो कोई बी बिल्डिंग भी होगी, ये बी बिल्डिंग मान लेते हैं, दिस इज ए दिस इज बी, आपस में इन बिल्डिंग्स की दूरी कितनी दी है फ्रेंड्स, दैट इज 35 मीटर। तो सपोज इन बिल्डिंग्स में जो दूरी है वो है 35 मीटर्स, इतना काम हमारा हो गया। अब कहते हैं फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग ए, तो ये क्या कह रहा है, कोई पॉइंट है रूफ ऑफ द बिल्डिंग ए पे, तो चलो रूफ ऑफ द बिल्डिंग ए पे ये पॉइंट मान लेते हैं, ये है, ये पॉइंट है। यहां तक हमने क्वेश्चन पढ़ लिया और पूरा सॉल्व कर दिया, काट दो।
फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बिल्डिंग ऑफ बिल्डिंग ए, ये भी काट दो, मतलब कोई पॉइंट है बिल्डिंग ए पे हमने मान लिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग बी इज 30 डिग्री, फाइन। इसका मतलब है कि ए के टॉप से बी के टॉप का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री। अब एलिवेशन डिप्रेशन हमने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ लिया था, मैंने आपको बताया था एलिवेशन मतलब एलिवेट करना, मतलब ऊपर देखना, और डिप्रेशन नीचे। अब अगर मैं ए बिल्डिंग पे खड़ा होके एलिवेशन पे कोई एंगल देखूंगा तो ऑब्वियसली मेरी बिल्डिंग बी ए से बड़ी होने वाली है, तभी तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो मेरी डायग्राम में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ये होने वाली है अब कि बिल्डिंग बी मुझे पता चल गया है वो थोड़ी सी बड़ी है, लंबी है, बिल्डिंग बी ए से बड़ी है, तभी तो ए का पॉइंट ऑफ एलिवेशन होगा कुछ उसके टॉप पे जिस जो वो बात कर रहा है। ये मान के चलना कि ये सारी लाइनें सीधी हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक हमने बना लिया, अब हमें पता चल गया कि ए छोटी होने वाली है बी बड़ी होने वाली है, तभी ए से बी का एलिवेशन पॉसिबल है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग बी इज 30 डिग्री, ओके, विच मीन्स विद द बेस ऑफ दिस बिल्डिंग द एंगल इज 30 डिग्री एलिवेटेड, ओके। नेक्स्ट क्या, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द बेस ऑफ द बिल्डिंग इज 45। यहीं से जो डिप्रेशन वाला एंगल है इस बिल्डिंग का वो कितना है, दैट इज एंगल 45। आप समझ रहे हैं क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया गया, हाउ टॉल इज एज बिल्डिंग। फिर एंड में हमसे पूछता कि बताओ ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है, ठीक है, और ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है। ये हमारे पास सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया कि कोई दो बिल्डिंग्स थी, एक बिल्डिंग के टॉप से दूसरी बिल्डिंग के जब एलिवेशन देखा गया उससे ये पता चल गया कि एक बिल्डिंग बड़ी है एक बिल्डिंग छोटी, तो छोटी से बड़ी का जब एलिवेशन देखा गया वो एलिवेशन था 30, उसी छोटी से जब उस बिल्डिंग के बेस पे देखा गया तो वो डिप्रेशन निकला एंगल 45 डिग्रीज। अब क्वेश्चन वो पूछ रहा है बताओ इसकी हाइट क्या है और इसकी हाइट क्या है। आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ आ गया, चलते हैं अभी इसको सॉल्व करने के लिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारी छोटी बिल्डिंग थी, दैट इज बिल्डिंग ए, ठीक, ये हमारा बेस है, ठीक है, ये हमारी छोटी बिल्डिंग थी बिल्डिंग ए, और ये बड़ी बिल्डिंग बी। छोटी क्यों है बड़ी क्यों है बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, ए एंड बी, ए से जब मैं बी के पास गया एंगल ऑफ एलिवेशन को लेके, दैट इज फर्स्ट लेक्चर का कंपेयर करके बताऊँ तो मेरी लाइन ऑफ साइट इस केस में एलिवेशन के केस में लाइन ऑफ साइट कितनी है, दैट इज 30 डिग्रीज। तो ये बिल्डिंग की हाइट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 30 डिग्री, ओके। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द बेस ऑफ द बिल्डिंग, इसी एंगल यहीं से अगर मैं डिप्रेशन का एंगल यहाँ ड्रॉ करूँ, चलो मैं अलग डायग्राम से कर देता हूँ, ईजी हो जाएगा समझना। ठीक है, यही मैं अगर यहाँ से ड्रॉ कर दूँ तो मतलब इसने क्या बोला, इसने बोला कि ये कितना है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 एंड डिप्रेशन इज 45, समवट ये डायग्राम बनेगी। ठीक है, अब आपको पता है कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो ये एंगल इसके बराबर होने वाला है, ये भी 45 हो गया। ठीक है, इतना हमने केस सॉल्व कर लिया, और हमें कोई वेरिएबल दिया है कॉन्स्टेंट दिया है 35 मीटर अपार्ट, ये भी तो दिया है कि ये और ये आपस में कितनी दूरी पे हैं 35। अगर ये 35 है फ्रेंड्स तो ये भी 35 होने वाला है, ये सेम ही तो है, ओके। तो अगर ये 35 है ये भी 35 हो गया, इतना पता चल गया। अब देखते हैं, पहले हम ले लेते हैं अपना ऊपर वाला ट्रायंगल, मैं इसको रेड दे देता हूँ। पहले अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूँ, ये इस ट्रायंगल में ऑलरेडी दो चीज़ें मुझे गिवन है, मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड है, दैट इज कोई एक एंगल गिवन है, एंगल है मेरा 30 डिग्री, और कोई एक साइड भी गिवन है दैट इज 35 मीटर्स। ठीक है, यहाँ पे ये 90 है, ये 90 है, क्योंकि ये बिल्डिंग इज एक्सपेक्टेड टू स्टैंड परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, फाइन। तो परपेंडिकुलर और एंगल के बीच में बेस, इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा बेस बन गया, ये वाला, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। अब मुझे डिमांड है अपनी हाइट की, फाइंड द
हाउ टॉल द बिल्डिंग इज, दैट इज फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. हाइट ऑफ द बिल्डिंग के लिए मुझे ये चाहिए इस ट्राइंगल में एटलीस्ट. तो मतलब ये चाहिए, P चाहिए, B ऑलरेडी गिवन है. तो सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी. मुझे P और B चाहिए. P और B अगर मेरा टैन में मुझे मिला तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा टैन 30. ऊपर वाला ट्राइंगल में लगाएंगे टैन 30 टू प्रेजेंट. दैट इज मैं इसको अगर मान लूँ A, B, इसको मान लेते हैं C, इसको D, इसको E, फाइन ठीक है. तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज बी सी अपॉन ए सी. नाउ टैन 30 डिग्री कितना होता है फटाफट से देख लो आप अपने चार्ट से, अगर आपको याद नहीं है तो 1/√3 ठीक है. तो टैन 30 मतलब 1/√3 यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू बी सी. बी सी इज नॉट गिवन, दैट इज हाइट अपॉन ए सी विच इज गिवन 35. देयर फोर यहाँ से मेरा बी सी कितना निकल गया, बी सी विल बी 35 अपॉन रूट थ्री. तो इसका मतलब मैंने इतना निकाल दिया, वो आ गया मेरा 35 अपॉन रूट थ्री मीटर्स. अब यही कॉन्सेप्ट मैं लगाऊंगा अपने नीचे वाले ट्राइंगल में. ओके, अब नीचे वाले ट्राइंगल के लिए हम क्या करेंगे, हमें चाहिए बच्चे अब ये वाली हाइट, ये वाली हाइट. उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस ट्राइंगल में अगर ये 45 है, ये पूरा 90 है, तो ये भी कितना बच गया 45 ठीक है. तो अब मैं लूँगा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ई एंड डी, दैट इज राइट एंगल एट डी, ए ई डी है ना. हाँ हाँ, चाहे आप ये वाला ट्राइंगल ले लो, देखो इसे समझा, चाहे आप ये वाला ट्राइंगल ले लो, चाहे आप ये वाला ट्राइंगल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों से मेरा आंसर आ जाएगा. अल्टीमेटली मुझे ये वाली हाइट चाहिए, ये हाइट इस हाइट के बराबर है, तो मैं चाहे यहाँ से निकालूँ चाहे वहाँ से निकालूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ठीक है. तो मैं ले रहा हूँ ट्राइंगल ए ई डी में, आप देखो फिर से मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाली हाइट चाहिए और बेस मुझे गिवन है. तो मैं टैन लगा दूंगा फिर से सेम कॉन्सेप्ट से, टैन 45 डिग्री इज इक्वल टू टू प्रेजेंट, दैट इज ए ई ब्यूटी, ब्यूटी इज ई डी विच इज गिवन, दैट इज 35 डिग्रीज. टैन 45 होता है 1, इस पूरे की जगह 1 आ जाएगा, ई डी वहाँ चला जाएगा, देयर फोर ई डी इज इक्वल टू ए ई. ई डी भी मुझे पता है कितना है, दैट इज 35 मीटर्स. तो मेरा यहाँ से ए ई निकल जाएगा, वो भी 35 मीटर्स आ जाएगा ठीक है. ये कलर दिख रहा है साफ साफ, चलो ठीक है. तो मैंने क्या किया, ऊपर वाले ट्राइंगल में अपना कॉन्सेप्ट यूज़ किया, ये हाइट मिल गई. नीचे वाले ट्राइंगल में कॉन्सेप्ट यूज़ किया तो ये वाली हाइट मिल गई. अब ये वाली हाइट और ये वाली हाइट दोनों सेम ही है ना, तो चाहे आप ये वाले ट्राइंगल से निकालो टैन 45 लगा के, चाहे ये वाले ट्राइंगल से निकालो, आंसर हमेशा आपका सेम आने वाला. ओके फाइन, तो ए ई मेरा कितना आ गया 35. जब ए ई 35 आया, इसका मतलब जरा जो मेरा ये वाला पार्ट है वो भी मुझे मिल गया, दैट इज अगेन 35. तो हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग कितनी मेरी आ गई बच्चे, वो आ गई 35 ठीक है. और हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग कितनी आई, दैट विल बी इक्वल्स टू 35 + 35/√3. ओके फाइन, इतना पता चल गया. तो इसी तरह से हमने दोनों बिल्डिंग्स की हाइट निकाल दी. आपको मैं समअप करवा देता हूँ फटाफट ये क्वेश्चन, सो दैट कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रहे. अबे यार चलना, क्या किया हमने, हमने एक बिल्डिंग ड्रॉ की थी, फिर दूसरी बिल्डिंग ड्रॉ की थी ठीक. इंडिविजुअली हमने क्या किया, ऊपर वाले ट्राइंगल में
ये वाला थीटा मिल गया हमें, ये थीटा कितना था, 30 था, और हमें ये पता था ये 35 है, ये वाला डिस्टेंस। तो जब एक ट्राइंगल में हमें दो चीज़ें पता होती हैं, हम सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। हमने क्या किया, टैन लगाया, टैन 30 इज इक्वल टू प्रेजेंट ब्यूटी, ये वाली हाइट निकाल दी। फिर से हमने क्या किया, इसी डायग्राम में हमने क्या किया, हमें ये वाला एंगल भी पता था, दैट इज 45 डिग्री। तो मैंने इस ट्राइंगल में टैन 45 लगा के, दैट इज अपॉन टू प्रेजेंट ब्यूटी यूज करके ये वाली हाइट निकाल दी। तो जो ये वाली हाइट थी वही ये वाली हाइट है, बिकॉज दे आर सेम। तो इससे ये निकल गया, जिससे मेरी पहली बिल्डिंग की हाइट निकल गई, ठीक है। और जब मैंने इसको इसमें प्लस किया तो मेरी दूसरी बिल्डिंग की हाइट निकल गई। ये कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ किया, आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फाइन। चलो अब क्वेश्चन है, यू आर फ्लाइंग अ काइट व्हेन योर फ्रेंड नोटिसेस दैट एन एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट एन एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम योर हैंड टू द काइट इज 60 डिग्री। हम यहां तक क्वेश्चन को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे पहले, ठीक है। क्या बोला इसने, यू आर फ्लाइंग अ काइट, चलो मान लेता हूं मैं यू, ठीक है, मैं खड़ा हूं यहां पे, ठीक, ये मेरे हाथ हैं, ये रस्सी पकड़ी है मैंने, और मैं क्या कर रहा हूं, गुड्डी चढ़ा रहा हूं, गुड्डी सिखरां ते जट दी, उन्हें जट तूना पट नहीं, फाइन। तो ये गुड्डी चढ़ा रहा हूँ मैं, ये मैं हूँ, ये मेरे हाथ में डोर है, मैं गुड्डी चढ़ा रहा हूँ, पतंग उड़ा रहा हूँ। यू आर फ्लाइंग ए काइट व्हेन योर फ्रेंड नोटिसेस, यू आर फ्लाइंग ए काइट तक तो हमने बना लिया, डन। व्हेन योर फ्रेंड नोटिसेस दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम योर हैंड टू द काइट इज 60 डिग्री, यहाँ तक ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जो मेरा दोस्त था कहीं दूर खड़ा था, सपोज यहाँ खड़ा था मेरा दोस्त पीपी ने मुझे देख लिया कि मैं पतंग चढ़ा रहा हूँ, और उसको ये भी पता चल गया कि जो मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, मेरे हाथ से जो पतंग का एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ से अगर मैं इसे कनेक्ट कर दूँ तो ये जो एंगल मेरा बन रहा है दैट विल बी 60 डिग्री। इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वो बोलता है, इफ द काइट इज 100 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, यहां तक हमने कर लिया, इसको काट दो, छोड़ो इसको। नेक्स्ट वो बोलता है, अगर ये जो गुड्डी है मेरी जो शिखरों पे है, इफ द काइट इज 100 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड, तो जो काइट की वो डिस्टेंस बता रहा है बच्चे, मतलब ये जो डिस्टेंस है 100 मीटर्स, सपोज ये ग्राउंड है, ठीक है, तो कह रहे जो काइट का ग्राउंड से डिस्टेंस है वो कितना है, कितना दिया बच्चे उसने, 100 मीटर्स। इफ द ग्राउंड काइट इज 100 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड, ये 100 मीटर्स, मतलब मैंने यहां तक भी सॉल्व कर लिया, ये भी काट दो, क्योंकि सब कुछ मेरे पास आ गया डायग्राम की फॉर्म में, मुझे उस क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। होता है ऐसा ही है, जब हम क्वेश्चन देखते हैं, बार बार क्वेश्चन देखते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। इसका रीजन ये है, एक तो ये क्वेश्चन में एंगल दिए होते हैं, वेरिएबल्स दिए होते हैं, साथ में ये क्वेश्चन बड़े लेंदी होते हैं, आगे आने वाला क्वेश्चन शायद इससे भी लेंदी है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ क्वेश्चन काट देता हूँ, मतलब इतना मेरा पार्ट खत्म हो गया, मुझे इसकी टेंशन नहीं है, वो मैंने उतार लिया अपना सारा मैथ्स की फॉर्म में, है ना, प्रैक्टिकल फॉर्म में। तभी मैंने आपके साथ पहला लेक्चर अपना जो लिया था वो पूरा एनिमेशन के साथ लिया था, ताकि आप कोर बेसिक एप्लीकेशंस को समझ जाओ, कल को वही एप्लीकेशंस आपको क्या करनी है, यहाँ पे परफॉर्म करनी है, यहाँ पे अप्लाई करनी है, ओके। अब यहाँ तक मैंने बना लिया, नेक्स्ट है, एंड योर हैंड इज 5 मीटर्स ऑफ द ग्राउंड, ओके। इसका मतलब इसने बोला कि जो मेरा हाथ है उसका ग्राउंड से डिस्टेंस कितना है, यहाँ तक ग्राउंड, ये मेरा अगर हाथ है यहाँ पे, दैट इज 5 मीटर्स, ओके। यहाँ भी क्वेश्चन बन गया, ये भी बन गया। तो उसने बोला कि मैं कोई गुड्डी उड़ा रहा था, गुड्डी शिखरां ते जट दी, अब वो जो शिखरों पे थी वो कितने शिखर पे थी, ग्राउंड से 100 मीटर्स, फाइन। लेकिन मेरे हाथ का मेरे ग्राउंड से डिस्टेंस कितना था,
दैट वॉज 5 meters. ओके, इतना क्वेश्चन समझ आ गए. आगे वो बोल रहा है ऑफ द हाउ मच स्ट्रिंग इज बिटवीन यू एंड योर काइट. मतलब कि जो मैंने गुड्डी की ढील दी हुई है, ठीक है, ये अगर मेरी गुड्डी है, ये कहीं मेरी चरखरी पड़ी है, तो यहाँ से जो मैंने अपनी गुड्डी की ढील दी हुई है, ये ढील कितनी दी है, मतलब मुझे ये अल्टीमेटली ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है. आपको समझ आ गई क्वेश्चन. अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले मेरी रिक्वायरमेंट है ट्रायंगल में कोई दो पार्ट, वो है कोई एक एंगल और कोई एक साइड. कोई एक एंगल तो मुझे बता ही दिया मेरे पीपी भाई साहब ने कि भाई मुझे पता है कि जो तो गुड्डी उड़ा रहा था ना वो 60 डिग्री की एलिवेशन पे थी, ठीक है, तभी तो मैं सबकी गुड़िया काट रहा था. फाइन, तो वो 60 डिग्री की एलिवेशन पे थी डिग्री गुड्डी मेरी, तो मुझे मतलब मेरे ट्रायंगल में कोई एक एंगल मिल चुका है. आई एम डन विद माय एंगल, ऑल आई वांट इज एनी ऑफ द साइड. फाइन, अब साइड मुझे क्या है, ये तो पूरा 100 दिया हुआ है, पर मुझे यहाँ तक तो लेना ही नहीं है, मुझे तो मेरे ट्रायंगल में सिर्फ इतनी सी साइड दी है. पर उसने मुझे बता दिया कि मेरे हाथ का मतलब जहाँ से मैं डोर छोड़ रहा था वहाँ से लेकर ग्राउंड का डिस्टेंस 5 है, टोटल पूरा 100 है. तो अगर मैं इस 100 में से इस 5 को माइनस कर दूँ तो इसका मतलब जो ये डिस्टेंस है मेरा, दैट इज़ गोइंग टू बी 95 meters. 100 माइनस 5, दैट इज 95 meters. ठीक है, 95 meters. ओके, तो बस फिर क्या था, मेरे को मेरा ट्रायंगल मिल गया. फाइन, ठीक है, मुझे पता चल चुका है कि मेरी बेस क्या है, मेरा परपेंडिकुलर क्या है और मेरा हाइपोटेन्यूज क्या है. फाइन, मुझे इन ट्रायंगल का कोई एक एंगल पता चल चुका है, दैट इज एंगल थीटा 60. फाइन, और फिर मुझे कोई एक साइड भी पता चल चुकी है, दैट इज 95 meters. ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि एक्चुअली मैंने असल में कितनी ढील दी हुई है गुड्डी की, मतलब ये डोर कितनी ज़्यादा हवा में है मेरे हाथ से. तो आपके सामने जो क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन क्लियरली चीख चीख के बोल रहा है कि मुझे चाहिए H, मेरे पास है P, मुझे चाहिए हाइपोटेन्यूज, मेरे पास है परपेंडिकुलर. आओ देखते हैं. सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, तो मुझे P और H चाहिए, वो मेरा कहाँ से निकलेगा, साइन से निकलेगा. फटाफट मैंने ये भी पता कर लिया कि मेरा आंसर निकलने कैसे वाला है, तो बस फिर क्या है, मैंने बस सॉल्व ही करना है, क्वेश्चन डिलीट कर देता हूँ. ठीक है, क्वेश्चन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा क्वेश्चन पूरा यहाँ फ्रेम हो चुका है अब. ठीक है, अब मैंने कुछ नहीं करना, साइन थीटा लगा देना. सो दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल हैव, विच मीन्स साइन थीटा की जगह 60 डिग्री ऑलरेडी गिवन. साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज 95 अपॉन हैव मीन्स हाइपोटेन्यूज, दैट इज व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट. सो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है. साइन 60 इज इक्वल टू √3/2. ठीक है, तो साइन 60 की जगह मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा √3/2. √3/2 साइन 60 की जगह इक्वल टू का इक्वल टू 95 का 95, एच का एच. एच मीन्स हाइपोटेन्यूज और द स्ट्रिंग ऑफ द काइट दैट आई वांट टू मेजर. सो हाइट गया ऊपर, 2 गया इधर, 3 आया नीचे. हाइट इज इक्वल टू 95 × 2 अपॉन √3. आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा. तो दैट वॉज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. मेरी गुड्डी कितनी ढील दी थी मैंने अपनी गुड्डी की हवा में. तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया. हमने पहले समझा कि ये क्वेश्चन की डिमांड क्या है, हमने उस क्वेश्चन के पूरी थ्योरी को अपनी डायग्राम की पिक्टोरिकल फॉर्म में उतारा. जैसे ही उतारा हमें समझ आ गया कि हमारे ट्राइंगल में अगर मैं ये पूरी हाइट लूँगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरी जो गुड्डी है वो तो यहाँ से कहीं से उड़ रही है, हाथ से स्टार्ट हुई है, नीचे वाला हिस्सा तो आता ही नहीं है. तो इसीलिए मैंने नीचे वाला 5 meters का हिस्सा काट दिया, मेरे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया, और ये मुझे चाहिए था, अल्टीमेटली हमने निकाल दिया. तो आपने देखा कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में यूज़ करके प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन उसको ग्राफ में कन्वर्ट करके कितनी आसानी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं. आपको भी फ्रेंड्स ऐसे ही करना है, एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आपको डरना नहीं है,
आपको बस थोड़ा सा एक आध मिनट लगा के उसको फ्रेम कर देना है अपनी कॉपी पे, बस फिर आपको बस वही हेर फेर करना है साइन कॉस पर, आपका आंसर आपके सामने होएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू आर इन ए हॉट एयर बैलून, आइए फिर से इस क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं, ओवर एन ओशियन, तो कोई ओशियन है, ग्राउंड बना देता हूँ, सपोज ये मेरा बेस है, ठीक है, ये मेरा ग्राउंड है, मान के चलो ये सारी लाइनें सीधी हैं, मैं सीधी ड्रॉ नहीं कर सकता, फाइन। क्वेश्चन है यू आर इन ए हॉट एयर बैलून, तो मान लो मैं यहाँ पे कहीं किसी हॉट एयर बैलून में, जो हवा में उड़ते हैं, ठीक है, ये किसी हॉट एयर बैलून में मस्ती कर रहा हूँ, ठीक, फाइन। यू आर इन ए हॉट एयर बैलून फ्लाइंग ओवर एन ओशियन, मान लो ये कोई ओशियन है, ठीक है, जो भी है ओशियन, वेन यू स्पॉट अ हाउस, ओके, तो मुझे क्या हुआ, मुझे इस ओशन के सपोज यहां पे कहीं पे कोई घर दिख गया, मैं कहां था, मैं हॉट एयर बैलून में था, ठीक है, आई वॉज इन द हॉट एयर बैलून, ठीक, सो वाइल इंजॉइंग इन द हॉट एयर बैलून ओवर एन आईलैंड और ओवर एन ओशन आई स्पॉट अ हाउस, यहां तक मैं पहुंच गया, मैंने कोई घर देख लिया, इफ द बैलून इज 1000 meters इन द एयर, अगर बैलून जो है वो 1000 meters है एयर में, मतलब ग्राउंड लेवल से उसकी हाइट क्या है, ग्राउंड लेवल से उसकी हाइट है 1000 meters, ये भी ड्रॉ हो गया, तो मतलब कि यहाँ तक तो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, मुझे जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन की, ठीक है। आगे बोल रहा है एंड द डिस्टेंस फ्रॉम यू एंड दैट हाउस इज 2000 meters, अब ये बोल रहे कि मुझसे और मुझसे लेके इस घर तक का डिस्टेंस कितना है, थोड़ा सीधा ही बनाते हैं, इम्प्रैक्टिकल लगता नहीं तो, तो मुझसे लेके इस घर का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस भी उसने बता दिया, ये डिस्टेंस कितना दे दिया 2000 meters, फाइन। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन फिर से कंप्लीट हो गया, मुझे इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। व्हाट एंगल ऑफ डिप्रेशन आर यू लुकिंग When you were seeing that house, very good question. कहता है कि मैं hot air balloon में था जिसका height, जिसका distance था ground से 1000 meters. मैंने अपने hot air balloon से जो हवा में था इस घर को देखा जिसका distance था 2000 meters. अब मुझसे पूछ रहा है कि बताओ जिस angle of depression में मैंने ये सारा angle घर देखा, जिस angle of depression की वजह से theta की वजह से मैंने ये घर देखा, वो theta कितना है, वट इज द वैल्यू ऑफ दैट थीटा, इसी को हम सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, ये डायग्राम में ऐसे रहने देता हूँ, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, ये मेरा हॉट एयर बैलून था सपोज, ये मेरा हॉट एयर बैलून था सपोज, फाइन, ये है ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से हॉट एयर बैलून वॉज 1000 meters, ओके, फ्रॉम दैट hot air balloon I spotted a home or a house somewhere like here suppose and the distance between this house and that air balloon kitna tha wo it was 2000 meters theek hai this is perpendicular obviously okay itna pata chal gaya 2000 se वैसे भी ज्यादा लग रहा है तो 2000 से ठीक ये मैंने अपना क्वेश्चन फ्रेम कर दिया अब उसने इसके बाद पूछा कि बताओ मुझे विद रिस्पेक्ट टू द हाइट ऑफ द बैलून इन द एयर व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन व्हाट इज द एंगल थीटा या व्हाट इज द लाइन ऑफ साइट अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी अच्छे से तो व्हाट इज माय लाइन ऑफ साइट व्हेन आई वाज लुकिंग फ्रॉम दिस पॉइंट दैट इज जब मेरी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना जो मेरी आंखें सपोज यहां मेरी आंखें थी सपोज यहां पे तो वो आंखों से जो दृष्टि पड़ रही थी तो उसने जो लाइन ऑफ साइट में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया इस घर के साथ वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था मतलब ये थीटा कितना था पहली बात तो मुझे ये पता है कि ये थीटा इज इक्वल टू ये थीटा बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कितना पता चल गया तो आप चाहे ये थीटा निकालें चाहे ये थीटा निकालें फर्क कोई पड़ने नहीं वाला अब निकालेंगे कैसे देखते हैं
अब फिर से एक ट्राइंगल मेरे पास है, इस ट्राइंगल की कंडीशन क्या है, कोई एक साइड कोई एक एंगल, मुझे थीटा चाहिए, बात खत्म। साइड मेरे पास ऑलरेडी है, ये साइड भी है, ये साइड भी है। आइए देखते हैं इससे मैं क्या डिराइव कर सकता हूँ। ये साइड मेरी परपेंडिकुलर है, ये साइड मेरी हाइपोटेन्यूज है। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, परपेंडिकुलर भी है हाइपोटेन्यूज भी है, आई विल यूज साइन ओवर हेयर। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, कैसे करेंगे? साइन ऑफ थीटा, जो थीटा मुझे चाहिए, इज इक्वल टू सम पीपल हैव, पीपल मुझे पता है मतलब परपेंडिकुलर 1000 मीटर्स है, हाइपोटेन्यूज 2000 मीटर्स है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो साइन थीटा आ जाएगा मेरे पास 1/2। अब साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ पे आती है? अगर आपने टी रेशियोज को याद किया होगा तो आप डायरेक्टली बता दोगे, फाइन। आपको मैंने वैसे अपने सेकंड लेक्चर में इस टॉपिक के ये ट्रिक भी बताया था, उसको याद कैसे करना है, अगर आपने किसी ने नहीं देखा तो आप वहाँ से स्टडी भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है वो किस पे आ रही है भाई? 30 पे। इसका मतलब कि साइन थीटा की जगह मेरा आ गया 1/2, अगर मेरा आ जाएगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू, अब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, 1/2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 की जगह मैं को साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 1/2 के बराबर होता है, तो साइन और साइन यहाँ से कैंसल, यहाँ बचा थीटा, यहाँ बचा 30, अल्टीमेटली मेरे थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 30। तो यही मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन था, यही मेरा क्या था, एंगल ऑफ डिप्रेशन था, ये 30 आ गया, फाइन। अब आपको ये एनालाइज हो जाना चाहिए कि सर ने एक चीज तो क्लियर कर दी कि जितना भी बड़ा लंबा क्वेश्चन हो उसका आंसर हम चाहें तो बिल्कुल छोटा सा हो सकता है। कितना छोटा सा था? एक स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, और आंसर आ गया। अभी जो मैं लिख के बता रहा हूं ये तो आपको माइंड में ही करना है। दूसरी बात, आपको ये पता चल जानी चाहिए कि ऑल आई नीड टू डू इज आई नीड टू फाइंड द प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ दैट क्वेश्चन, कि प्रैक्टिकली मुझसे JKSSB या SSC या कोई भी एग्जाम में, हाइट एंड डिस्टेंसेज में स्पेशली, ये पूछना क्या चाहते हैं। देखो, वो भी एक एग्जामिनर है जिसने क्वेश्चन फ्रेम करना है। कल को आप एग्जामिनर बनोगे, आप भी ऐसे फ्रेम करोगे जैसे कुछ कोशिश मैंने भी की है क्वेश्चन को फ्रेम करने की। तो कुछ नहीं है, आपने कभी डरना नहीं है, हर क्वेश्चन को प्रैक्टिकल फॉर्म में उतार देना, और आप उतारते उतारते ही समझ जाओगे कि आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है। जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया जहाँ मैं हॉट एयर बैलून लेके आया था, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया जहाँ हमें पतंगबाजी कर रहा था और मेरी जो गुड्डी हवा में थी लेकिन मेरी गुड्डी मेरे हाइट के डिस्टेंस से हवा में थी। ऐसे थोड़े बहुत झोल या पेच होंगे क्वेश्चन में जिसे आपने सॉल्व करना, फटाफट से एनालाइज करना प्रैक्टिकली, और आप इसके किसी भी क्वेश्चन में कभी भी मार नहीं खाओगे, फाइन। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही रखता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊँ, इससे भी ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँ, तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, हम एक सेशन और ले लेंगे। अदरवाइज़ मुझे तो लगता है कि ये सफिशिएंट है, फिर भी अगर आपको लगता है कि आपने और प्रैक्टिस करनी है आप मुझे बता देना। सो हमने आज क्या पढ़ा कि प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे यूज़ करनी है साइन कॉस टैन में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अपने आंसर्स को फाइंड करने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, गुड लक, शबा खैर, बाय बाय।